हम लोग को यही कहा जाता है, जब तेरी शादी होगी, जब तेरी शादी होगी, तेरी शादी के बाद, तेरी शादी के बाद, इसे कुछ सिखाओ, इसकी शादी के बाद क्या होगा। तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो शादी ही है, और जो पहली की ज़िंदगी है वो उस क्षण की तैयारी है। तो इट वॉज़ ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये क्या है। एंड देन आई वॉज ग्रोइंग अप इन अ वेरी बिग फैमिली, तो सब तरह की शादियाँ मैंने देखी हैं। तो मुझे लगता था कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो ऋग्वेदा के ज़माने से चली आ रही है और बाइबल के ज़माने से चली आ रही है, और उसमें एक नहीं हज़ारों सांप हैं, मतलब क्या है। सो आई यूज़ टू फाइंड इट वेरी इंट्रीगिंग, एंड आई जस्ट थिंक दैट हाफ द प्रॉब्लम्स आई हैव सीन आर बिकॉज सब अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो अगर वो फिल्म ये कह रही है कि बस इतना सीरियसली खुद को मत लो, तो वो फिल्म भी फिर ट्रेजेडी नहीं हो सकती। इट हैज़ टू बी अ लाइट हार्टेड मूवी। नई तरह की स्क्रिप्ट है, इंटरेस्टिंग फिल्म है। आई थिंक मल्टीप्लेक्स इज वेरी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म। आई थिंक इट्स द अदर वे राउंड ऑन दिस वन, द स्क्रिप्ट चोज अस। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन यू शुड आस्क दीपा जी, दैट व्हाई डिड शी चूज अस, यू नो। वी आवरसेल्व्स डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी चोज अस, व्हाई वी सिलेक्टेड। I mean, despite the fact that she's the most beautiful woman, and despite we make a wonderful pair. Yes, both of us are not from any filmy backgrounds, and still we are so lucky that we got a break under such a renowned and established banner, with such a talented and experienced director, with such a fantastic financier like Anoopji. It was just such a pleasure, because we were never felt made to feel like we are newcomers. We were given such a good treatment. We felt so comfortable shooting this film, and the most important thing is we really had a lot of fun. We had so much fun that we really wish it hadn't gotten over.